ये देख के मेरा मन कर गया दिल्ली से जो मैं लांटेन लेके आया हूँ आज वो जलाई जाए हवा में उड़ाई जाए। आपको लेना है कुछ मम्मा? देख लो दिवाली की शॉपिंग करवा देता हूँ। मम्मा का शॉपिंग ना करने का रीजन ये नहीं है कि अभी दो तीन दिन पहले शॉपिंग करी है, असली रीजन ये है कि मम्मा का जो कैशियर है यानी कि मेरे पिताजी वो जान के दुकान के अंदर नहीं घुसे है। हेलो जी, मेरे और महावीर की तरफ से स्वागत है जी आपका ओएसी व्लॉग्स पे। आपको देते हैं पहले तो महावीर की अपडेट कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा बन चुका हुआ है, रात को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, नींद जो है अच्छे से पूरी करवाता है हमारी। मेरी तो पूरी अच्छे से करवाता है। कितने बजे? 4 बजे। वो तेरी गलती है यार, मेरे बच्चे ने देखी। इसे पार्टी फ्री पर्सन, ये रात को लेट सोता है पर उसके बाद जब सोता है तो अच्छे से सोता है। सच्ची में पार्टी फ्री होता तो मैं भी इसके साथ पार्टी करती। यार तू कर नहीं पा रही, तू इसकी वाइब जो है ना आजकल की जनरेशन वाली है, तू बुड्ढी हो गई है, मैं मैच कर पाता हूँ इसकी वाइब। तो हम रात को चिल कर रहे थे और फिर सो रहे थे। ये तो मैं गलत बोल दिया, मैं मान रहा है कि इसकी वाइफ मैच नहीं कर पा रही, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं मैच करती, एटलीस्ट मैं उसके उठी हुई थी, तुम्हारी वो बुड्ढे वाली वाइफ है, चलो बच्चे पार्टी करके मैं सो जाता हूँ। पोल खोल रही है ये मेरी सगी बीवी। और जी अभी सीन कुछ इस प्रकार है कि हमारी जो माता जी है वो गए हुए हैं मासी के पास, क्योंकि मासी आज जा रहे हैं कनाडा और मुक्ति जी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आमलेट बन रहा है विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल जिसमें जुगनी भी जा रही है। और जी एक चैलेंज जो है वो हमारे सामने खड़ा हो चुका हुआ है, चैलेंज ये है कि हमने बनानी है वीडियो और महावीर को भी संभालना है, तो ये दो दो चीजें कैसे हो पाएगी साइड बाय साइड वो एक चैलेंज है। मेरे ख्याल से हम क्या कर सकते हैं मुक्ति, अगर महावीर को कैरियर में डाले है, मैं कैरियर पहन लूं ठीक है तो शूट भी हो जाएगा एंड महावीर के झूठे माटे भी हो जाएंगे। कैरियर में बहुत खुश रहता है, रात को नहला देंगे, है ना? रात को नहाने वाले से सही है, सही है, सो जाता है, मतलब ये रिलैक्स फील करता है। और ये जी करो चेक, जो महावीर का स्ट्रॉलर था उसे हमने मॉडिफाई कर दिया हुआ है, इसके अंदर हमने अपग्रेड्स कर दिए हुए हैं, इस पे हमने लगा दिया हुआ है मैट नेट, नेट मैं दोनों को मिक्स कर दिया कर। और यहाँ पे माँ भी जो है वो नजारे भी ले सकता है और मच्छरों से बच भी सकता है। मच्छर नहीं, जितने भी फ्लाइंग इंसेक्ट है ना, हाँ? जैसे मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, परिंडो हो गई, उसके अलावा एक और चीज है जो डॉक्टर ने हमें बोली जिससे ये बचेगा, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रॉलर में लेके जाएंगे ना बाहर, हर कोई आएगा वो कितना क्यूट बेबी है, कितना स्वीट बेबी है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये इसको इन्फेक्शन से भी बचाए, ये मतलब की मल्टीपर्पज चीज है जो की सिर्फ 150 रुपए की है। दरअसल जिस डॉक्टर ने मुक्ति की डिलीवरी करी थी ना वो इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, एंड जब हम महावीर को लेके गए थे बाहर स्ट्रॉलर में तो मुक्ति ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, एंड डॉक्टर ने स्पेशली कॉल करके ना मुक्ति को ये बोला है कि इसके लिए ना एक नेट ले लो, अमेज़न पे मिलती है जो कि काफी यूजफुल होने वाली है, एंड डॉक्टर की बात हमको लगी सही। पहले हम सोच रहे थे महावीर को ना हम कैरी करेंगे कैरियर में और वीडियो बनाएंगे, परंतु महावीर के दादू को खेड मिल चुकी हुई है, ये स्ट्रॉलर जो है उसको घुमाई फिराई जा रहे हैं और इसके चूटे मटे हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपको भी पूरे मजे आ रहे हैं। वो देना किनारे मस्तू से बैठा हुआ है, पापा कह रहे बोर हो रहा है मावी, तो बोर नहीं होने देंगे, और पापा ने खुद की भी एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया, स्टेप्स पूरे कर रहे हैं। तो जो वीडियो बनानी थी वो आधी अधूरी बन चुकी हुई है, टाइम लग गया बहुत ही ज्यादा, सुबह से हो गया शाम, और अब हम निकले हैं महावीर को कैरियर में डाल के करने वॉक, प्लस मुक्ति ने ना सूट वगैरह खरीदने हैं शॉपिंग, तो मैंने अपने लिए नहीं खरीदने, एक्चुअली जो हमारे वर्कर हैं उनके लिए मैंने सोचा था कि सबके लिए मतलब महावीर के होने पे मैं सबको कुछ गिफ्ट दूं, और मेरे दिमाग में ऐसा है कि फीमेल्स को, क्योंकि हमारे सारे फीमेल्स वर्कर ही हैं, तो मैंने सोचा था लड़कियों के लिए सूट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो सूटों की करूंगी मैं शॉपिंग अपने लिए नहीं औरों के लिए। एक लेडी दूसरी लेडी को ज्यादा समझ सकती है, तो मुक्ति जो सोच रही है सही है। नहीं वैसे मैं ठीक सोच रही हूँ, बट दूसरों के लिए कपड़े लेना ज्यादा मुश्किल काम है, और दिवाली की वजह से जो रौनक मेला लगा हुआ है ना भाई साहब, चेक करो, ये देख के मेरा मन कर गया दिल्ली से जो मैं लांटेन लेके आया हूँ आज वो जलाई जाए हवा में उड़ाई जाए। यहाँ पे मुक्ति ने शुरू कर दी है सूटों की शॉपिंग, और हमने ना महावीर को कैरियर से बाहर निकाल दिया हुआ है, क्योंकि जब भी ये कैरियर में होता है ना ये हमेशा सो रहा होता है, पर हमने इसको बाहरली दुनिया नहीं दिखाई आज तक, तो अभी थोड़ी सूटों की शॉपिंग ये भी कर रहा है साथ साथ। नहीं एक्चुअली हमने कैरियर से भी निकाला क्योंकि अभी रो रहा, हाँ गर्मी लग रही थी, और अंदर हो जाती है गर्मी, मतलब मैंने लिया है, हाँ कैरियर के अंदर हो जाती है गर्मी, मतलब मेरे से चिपका हुआ है ना, मेरी टी शर्ट भी पसीने से भीग गई थी। महावीर को ना मैं वो ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो ट्रेनिंग मुझे बचपन में नहीं मिली, लड़कियों के साथ पेशेंस रखने की वाइल द टाइम ऑफ शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है पर हमारा साथ जरूरी है, क्योंकि इसने पूछना है ये सूट कैसा है, मुझे आगे से बोलना है कि ये ठीक है या नहीं है, मेरे को लगा मुझे ये बोलना है कि ठीक है, मैं सारे सूट ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो जी एक है ये वाला सूट जो कि मुझे अच्छा लगा,
ये शॉपिंग वाले मामले में ना आदित्य बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, उस बंदे में है पेशेंस असली, क्योंकि बचपन से अपनी बहनों के साथ उनको शॉपिंग करवाता रहा। मैं अभी सीख रहा हूँ, यहाँ पे हिट एंड ट्राई चल रहे हैं, क्या वो पसंद नहीं आया? दो साल से ये नहीं सीख पाए, तो नहीं सीख पाया यार, टाइम लगता है क्योंकि मैं भी इतनी ज्यादा वो नहीं करती ना। तू जाती कहाँ पे शॉपिंग पे, सीखूंगा कैसे? स्पेशली सूट की वो भी कम करती हूँ। तू ज्यादातर पता कैसी है, तू शॉपिंग पे जाएगी कुछ भी नहीं लेगी, या तो कुछ नहीं उठाएगी या फिर जल्दी से जो डिस्प्ले पे होगा वो उठा लेगी। उठा लूंगी, सही बात है। तू कभी डिस्काउंट पे भी नहीं जाती, असली शॉपिंग होती है जब देर लगती है, जब लंबी लंबी लाइनें लगती है। बोला था कि जो चीज पहली नजर में पसंद आ जाए ना उसी को उठा लो, और पहली नजर में पसंद ही वो होती है जो मेरी क्विन पे लगी होती है, ज्यादातर ऐसी होता है। हम शॉपिंग के बारे में सोच के आए थे, पर शॉपिंग करने के बाद घर कैसे जाएंगे इसके बारे में हमने नहीं सोचा था, जिस वजह से अभी पापा को कॉल करके बुलाया और साथ में मम्मी भी आ गई हुई है। आपको लेना है कुछ? देख लो दिवाली की शॉपिंग करवा देता हूँ। अच्छा मम्मा ने कर ली हुई अपनी शॉपिंग डन। मम्मा का शॉपिंग ना करने का रीजन ये नहीं है कि अभी दो तीन दिन पहले शॉपिंग करी है, असली रीजन ये है कि मम्मा का जो कैशियर है यानी कि मेरे पिताजी, वो जान के दुकान के अंदर नहीं घुसे हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो अंदर जाएंगे मम्मा पक्का शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे बाहर। वेरी चलाक, वेरी चलाक। और जी शॉपिंग करके पहुंच चुके हैं हम वापस घर, और इधर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, हम प्री दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोला सा उठाया हुआ ये लैंटर्न इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे हम लालटेन बोलते हैं। मैं तो लैंटर ही बोलने लगी थी। उसको उधर तो हो जाओ ना पहले। अरे भी आग लगा रहा हूँ। नहीं नहीं उधर जाके लगाए, छत है उधर। हाँ आसमान, खुले आसमान। तो गाइस मैं प्रो हो चुका हूँ ये काम करने में, हमने कर देना पुट्ठा। अब आग की वजह से हॉट एयर जो है इसके अंदर भरे, और साइंस कहती है वाह वाह कि हॉट एयर जो है वो बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो ऊपर को ले जाए, वजह से ये हवा में उड़ जाता है। पापा आपको लगता है स्कूल टाइम में उकाने का भी इतनी एक्सप्लेनेशन दी होगी, ये पहली बार दे रहा है ना, मेरे साथ रह के समझदार हो गया। वो मुझे समझ बाद में आई है, मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले स्कूल टाइम में, फिर मैंने सेल्फ एजुकेट किया अपने आप को। बढ़िया है सेल्फ एजुकेट वाले। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ओला अरे यार तुम्हारी साइंस नीचे गिर गई। इसकी आग ने हमें दे दिया धोखा, और अब नहीं उड़ेगा। चाइनीज है ना, इसीलिए तो इसका नाम चाइनीज लैंटर्न है, क्योंकि ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट भेज रहे हैं। लास्ट टाइम कल जब मैंने उड़ाए थे उस टाइम पे बाई चांस उड़ गए थे, बट आज ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है, शाये हो गए थोड़े से। अटेम्प्ट नंबर वन हो चुका था हमारा फेल, उससे हमारा मनोबल जो है वो कमजोर नहीं होएगा। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं अटेम्प्ट टू। क्या लगता है पापा उड़ेगा? देखो चाइनीज चीज है, कोई भरोसा नहीं है इसका, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और ये हमारा मिशन हुआ सक्सेसफुल, उड़ा दिया हमने इसको। अब बस ये डर है कि आग नीचे ना गिरे, बस उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ना ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा कामयाब हुआ है, मतलब चेक करो कितनी ज्यादा दूर तक उड़ गया हुआ है, भाई चांद तक ही जाएगा ये। आजकल ना हमने महावीर को रात को नहलाना शुरू करा है, क्योंकि रात को इसकी एनर्जी जो है सारी निकल जाती है, नहा के बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील करता है, नहीं रिफ्रेश नहीं रिलैक्स फील करता है, जिसकी वजह से जल्दी सो जाता है। और नहलाने से पहले करते हैं इसकी मालिश, जिसको ये पूरा इंजॉय करता है, साथ ही साथ इसकी मम्मी भी पूरा इंजॉय करती है, इसको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। ये है लैटिसमस डोर्सी, ये है आपके ग्लूट्स, ये आपके हैमस्ट्रिंग्स, जिसको नहीं समझ आ रहा तो ये मसल्स बता रही है कौन से है। मेरे को भी प्रैक्टिस हो रही है, मम्मी जिम तो जा नहीं रही है, तो यही भी मसल्स देख लो, खुद के तो मसल्स खुद सो रखे हैं। कोई बात नहीं, मामे हम इकट्ठे जिम जाएंगे बीबू। मैं ना एक चीज समझ नहीं पाया हूँ आज तक, जो सुर इंसान के बाथरूम में लगते हैं वो बाथरूम से बाहर आते ही दही लगते हैं, इसको कहते हैं बाथरूम सिंगर। मुक्ति जो है बाथरूम में गाने के लिए बनी है, इतने बढ़िया सुर लगा रही है, सारे गामा पादा नीसा बच्चा चुप करा दिया इसने। मुक्ति तू एक काम कर, एक गाना बाथरूम में रिकॉर्ड कर दे बढ़िया सा। हो चुका है अगला दिन। तो जी कल एज यूजुअल सोए थे हम लेट, और अभी अच्छे से अपनी नींद पूरी करके उठे हैं, और सुबह उठते नजारा कुछ इस प्रकार है कि अपना जो एसी है वो रिपेयर हो रहा है, दो तीन बारी पहले भी रिपेयर हो चुका हुआ है, बट अभी तक इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं निकला है, ठंडी हवा ये नहीं देता है, और आज तो एसी का कर दिया हुआ फुल पोस्टमार्टम। और अब जी लग जाते हैं अपनी फुल टाइम ड्यूटी पे, जो है महावीर के साथ टाइम स्पेंड करने की ड्यूटी, और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है उसे करते हैं जी खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर, बाकी आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आज टाइम निकाल के जाऊंगा मैं दिवाली की शॉपिंग करने, जिसमें कपड़े वगैरह नहीं खरीदने हैं, मैंने थोड़े से पटाखे पटोखे खरीदने हैं, आपको कल वाले व्लॉग में शायद आतिशबाजी देखने को मिले। तो टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं कल 4 बजे।